का बताएंगे आपके ग्राम में आज तालाबंदी की गई पंचायत में क्या हुआ का है? अपन मन हा अधिकारी कर भी गए रहें कि जांच हमर सही ढंग के हो जाए, ऐसे की के एसडीएम में गए रहें, उगर बाद तारीख भी बना रही से आहूँ ऐसे करके, वो तारीख में नहीं भी आई और ओकर बाद में बीच में भेजे भी रही से, वो भी दुए चार जन ऐसे बैठे रहे, अब जबकि हमन ला कोई खबर नहीं दे रही से, आईस तो 3 बजे करीब आईस, तो हमन कहन के ओला आज हमार आदमी नहीं है तो बिना खबर के आ है ऐसे करके, वो जवाब कलो करे हन, वो बोलते कि मैं सचिव बोले रहे हूँ, तो वो सचिव का देख भाई बोल वो जाने, तो हमल जिन बेर खबर मिली वो दरमियान में हमर रहे हन, और वो दिन जांच वाँच नहीं होए, और ओकर बाद अभी तक के हमल गुमराव में रख के आज अतिक दिन गुजार दिस के हमर गांव ला बहुत परेशानी में लाग डाल दी ने मन। अभी इतना बार हो गए आप प्रशासन के चक्कर मार हो, आज लगभग 1 महीना करीब हो गए आप मन लगे हुए अधिकारी आए एक बात भी अगर अधिकारी मन कुछ नहीं करी तब आप मन करे। अब हमन हा वही विचार रखें तो तालत लगा डरें पंचायत में गांव भर मिल के, ओकर बाद अब चक्का जाम करवो यदि नहीं होते तो, ये बिल्कुल हमर मन के उद्देश्य है। आपके नाम मंत्रालय तक कि इस केस को भेजेंगे मानदास साहू खैर जी ग्राम पटेल जी बताएंगे क्या मामला था और किस मामले को लेके आपने वहाँ तालाबंदी किया और चक्का जाम के बारे में आपने सोच लिया? हमारे ग्राम खैर जीटी के पंचायत इतना भ्रष्टाचार है, इससे कोई गुणवाता नहीं निकाल सकता, इतना भ्रष्टाचार है कि हर लाइन में पटवारी से लेके सरपंच सचिव इंजीनियर इतना भ्रष्टाचार किया है, 7 लाख के काम आए हैं, 15 ट्रिप मुरूम डाला है, उसके अभी भी मेजरमेंट लेके गारंटी में है, PCC डाला है, रातों रात ढलाई कर दिया है, और इसमें सरपंच पति के द्वारा दबाव दिया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, गाँव वाले जितना नारा लगाए लगाओगे सबका जेब भर चुका है, स्पष्ट बात। इसी कारण हमको आप विश्वास हो रहा है कि हमारे 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गए इस आवेदन का जांच नहीं हुआ है, इसी कारण हमारे बस्ती वाले को आप अंधविश्वासी हो गए हैं कि वास्तविकता में हमारा अधिकारी लोग ही जांच नहीं करवाना चाहते। वो एक बार आया था 8 दिन पहले, उस दिन बोला कि हम लोग जाँच के लिए आ रहा है अचानक 10 बजे, और जबकि हम SDM को बोला था कि 1 दिन के पहले ग्राम पंचायत में सूचना करना 5 लोगों को ग्रामीणों को, उसके बाद भी बिना सूचना की आया 10 बजे आ रहा है कि 10 बजे 2-4 जैसा भी हुआ इतना बड़े अधिकारी आ रहा है कि बैठा 3 बजे आने के बाद में मैं मरनी में गया हूँ, मैं इसके ये काम में गया, ड्यूटी लगेगा तो कैसे मरनी में जा सकता है, और जब मरनी के काम है तो वो कैसे जाँच में आ सकता है हमारे ग्रामीण में, वो स्क्रो मैच करने के लिए उस दिन भी आया था, आज भी हम लोग कल ग्राम खैर जीटी में मीटिंग टाइप के बैठा था, उसमें सब 5 लोग इस्तीफा देने के लिए भी जाने वाला था, उसके बाद भी पंचायत से आवेदन आया कि नहीं भैया कल आपके गांव में 1 तारीख को आ रहा है अधिकारी लोग सब जांच के लिए, चलो भाई आपके भी इस समय फिर बात मान लेते, उसके बाद भी हम ग्राम पटेल को आश्वासन नहीं दिया था कि आज हाका मत पड़े, इनके विश्वास नहीं है पंचायत का भाई, भरोसा नहीं है, सुबह देख के करना जी, हो सकता है शाम के लोग और मूड बदल देगा, इस कारण हम पटेल को ना रोका था, पूरा बस्ती वाले सुबह हाँका परवाना के सुबह हाँका परवाया और हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया, तो आवेदन के आज 1 बजे ने हमारा आज गांव में मीटिंग रखा था, अधिकारी लोग आ रहा था बोल, उसके बाद भी हम लोग बार बार बोला एक आदमी आके यहाँ संबोधन करो, मगर एक आदमी की शक्ल दिखाने के लिए काबिल में नहीं है हमारे ग्राम पटेल। उनसे क्या बात? वो अधिकारी अभी आया था तो हमको 3 तारीख की जाँच का आश्वासन दिया है, हमको उसके ऊपर पूरा फुल विश्वास है, ताकि पंच सरपंच सचिव ये है गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाए, सही उचित जानकारी जांच होना चाहिए, कार्रवाई। आपका नाम? पुरुषोत्तम साहू, ग्राम पंचायत खैर जीटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।